हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, फ्रॉम टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन लेक्चर्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है बीबीए N606। सो राइट डाउन दिस कोड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स जो कि फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मीन्स टू से ओवरव्यू अबाउट द सिलेबस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स में 5 यूनिट्स हैं। पांचों यूनिट में अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एक बेसिक इन्फॉर्म, मतलब कि प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है ई कॉमर्स की, उसको हर यूनिट में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट इंक्लूड करता है ई कॉमर्स को, अबाउट द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या, इसका इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी नीड है, क्यों हम ई कॉमर्स को आज के टाइम में इतना प्रमोट कर रहे हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो BBN 606 फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट यूनिट है ई कॉमर्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो क्या इसकी नीड है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। आजकल की जो भी एक बिजी लाइफ है, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं एक पर्टिकुलर शॉप पे जाएं और अपने लिए कुछ परचेज करें, तो इतने बिजी शेड्यूल्स में ई कॉमर्स को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ई कॉमर्स को मैक्सिमम तरीके से यूज़ करके वो उनकी जो भी उनकी बेसिक डे टू डे नीड्स हैं और जो भी उन्हें परचेज करना है वो इजी तरीके से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करेंगे कि भाई आज के टाइम में क्या इसकी नीड है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जहां आप अपनी मनी को भी थोड़ा सेव कर सकते हो और साथ के साथ अपना टाइम भी पे भी प्रॉपरली ध्यान दे सकते हो। ठीक है, यानी कि कम टाइम में, अच्छे कम से कम समय में आप क्या कर सकते हो, क्वालिटेटिव गुड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इस ई कॉमर्स में जो यूनिट फर्स्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल कॉमर्स, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के टाइप्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस के बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ओके, तो ये था ओवरव्यू अबाउट यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट को कवर करने के बाद सेकेंड यूनिट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जब आपके पास प्रॉपरली ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज आ जाएगी कि भी ई कॉमर्स है क्या, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बाद यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है इसमें जो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो है इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, विदाउट इंटरनेट आप ई कॉमर्स को प्रोसीड कर ही नहीं सकते, तो ई कॉमर्स को प्रोसीड करने के लिए आपको इंटरनेट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट है क्या, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका इवेल्युएशन है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट सेकंड में। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सेंड एंड रिसीव वेरियस मेल्स विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रैक्टिसेस, सो दैट्स व्हाई यूनिट सेकंड आल्सो इंक्लूड द टॉपिक ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज WWW। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, टेलनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड ही टर्म्स हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन्स क्या होते हैं। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरनेट से जो रिलेटेड हैं, यूनिट सेकेंड में इंक्लूड किए गए हैं अंडर द फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम,
बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को प्रोसीड किया जाता है। जब भी आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो और उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें तो बहुत सारी मतलब कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी दिखाई गई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में। इसमें हम इंक्लूड जो भी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ई कैश क्या होता है, ई चेक क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं। अगर मैं ई बैंकिंग की बात करूँ, ई बैंकिंग क्या है, किस तरीके से आज के टाइम में कंज्यूमर ई बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं और उसको यूज़ किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं यूनिट थर्ड में, जिसमें जो मेन टॉपिक क्या है रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ई कैश, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड्स और ई बैंकिंग, ओके। यूनिट थर्ड के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में मैं डिस्कस करूँगा EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यूनिट फोर्थ में EDI में इंक्लूड किए गए हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ EDI, फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ EDI, फाइल टाइप्स ऑफ EDI, ओके। उसके बाद यूनिट फिफ्थ में सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फायरवॉल क्या होता है, ई लॉकिंग इनक्रिप्शंस क्या होते हैं, साइबर लॉ, इसमें हम कुछ साइबर लॉ के बारे में भी बात करेंगे, इंटरनेट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने होंगे, उनके बारे में समझना होगा। ई लॉकिंग क्या होता है, इंक्रिप्शंस क्या होता है, ठीक है, साइलेंट प्रोविजंस ऑफ PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये है यूनिट फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अलग अलग तरीके से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक यहाँ पे प्लेस किए गए हैं ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे हर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि हर टॉपिक के साथ, और उसके हिसाब से आप नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें, आपकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे मेंटेन हो सके। ध्यान दीजिए, यूनिट फर्स्ट में केवल बेसिक्स के बारे में बताया था कि ई कॉमर्स है क्या, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। सिंपली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब मैं बताऊं तो क्या होता है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट की सहायता से आप सामान को खरीद और बेच रहे हो तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। अब ऐसे में कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अगर कोई भी कंपनी ई कॉमर्स को प्रोसीड करना चाहती है, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेकंड में इंटरनेट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि भाई ई कॉमर्स जो कंटिन्यू हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा है, तो इंटरनेट के बारे में भी प्रॉपर पता होना चाहिए पार्टीज को कि इंटरनेट है क्या, किस तरीके से इंटरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं और ये ई कॉमर्स को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल तो उसके लिए इंटरनेट फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर ईमेल की बात करें तो इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव सेंड और रिसीव करते हैं। टेलनेट, इंटरनेट, एक्सटरनेट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली प्रोसीड करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप प्रॉपरली इस तरीके की ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोसीड कर सकें, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो पेमेंट ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो आज के टाइम में जैसे कि हमने देखा है कि भाई डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोग क्या अगर लोगों को एक तरीके से नई नई पॉलिसीज, नई नई स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दीजिए ताकि आप कम टाइम में बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सर्विसेज को अवेल कर सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी है। आज आपने देखा होगा हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन रहता है। आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हो और उनका प्रॉपरली पेमेंट कर सकते हो। इसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हुए यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को,
ई कैश, ई चेक, क्रेडिट डेबिट और स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया गया है, इनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड टर्म है ओटीपी और लॉकिंग सिस्टम, ये सब हम यहाँ पे इस यूनिट में कवर करेंगे, और ई बैंकिंग, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और लास्ट है सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स। तो आज का सेशन हमारा यही था जिसमें हमने ई कॉमर्स के बारे में डिस्कशन किया कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस सिलेबस में। स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि भाई इसका जो मेन इंडेक्स है यानी कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, और उन टॉपिक को किस तरीके से आप पढ़ सकते हो प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्लानिंग की। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली आपको प्लान करना है, आपको अपने अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से एक कोई प्लानिंग करनी है, एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है कि भाई किस तरीके से आप बेस्ट और इफेक्टिव तरीके से इस सब्जेक्ट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हो और वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है ताकि आप फाइनली सारे यूनिट्स पे प्रॉपर ध्यान देते हुए हर यूनिट्स के हर टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर अप कर सको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उस केस में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में जो कि आपके यूनिट के पार्ट्स हैं, ठीक है, और उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हुए फाइनली जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली कवर करना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन मैंने इसीलिए ओवरव्यू रखा है सिलेबस के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ई कॉमर्स में हम क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करेंगे और कहीं ना कहीं वो टॉपिक क्या है हमारे लिए, किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिट फर्स्ट को कवर किया, यूनिट फर्स्ट कवर करने के बाद यूनिट सेकंड जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट फर्स्ट से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में यूनिट सेकंड को। तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी भी सिलेबस इसी तरीके से डिज़ाइन करती है ताकि स्टूडेंट को कन्वीनियंस ही रहे और प्रॉपर तरीके से वो जो भी सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट फर्स्ट को जिसमें मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा इंट्रोडक्शन अबाउट द ई कॉमर्स, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी नीड है और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वो हर लेक्चर के साथ टाइम टू टाइम वो उनको सॉर्ट आउट करता रहे, ठीक है, और मुझे कॉन्टैक्ट करता रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।